इसमें नहीं बनाएगा भैया, ढाबा ही लाना पड़ेगा भैया। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल स्नैक केचर इंदौर में। और आज का ये रेस्क्यू वीडियो है पालदा इंडस्ट्रियल एरिया का, जहाँ पर एक कंपनी में सांप दिखा। कुछ देर बाद ही हमें फ़ोन आया, हम उस कॉल पर रेस्क्यू के लिए यहाँ पर आए हैं। अभी हमें पता नहीं है कौन सा सांप है, अंदर चल कर देखेंगे। बने रहिए वीडियो में आखिरी तक। आपने यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस सामान के पीछे सांप हमें दिख गया है, और ये सांप है सेंड बोआ, जो कि नॉन वेनमस होता है, लेकिन कई लोग इसे दीवर समझते हैं और कई लोग अजगर समझते हैं। बिना उसके होगा ही नहीं है। लोगों को उचित जानकारी ना होने के अभाव में ही ज़्यादातर लोग इन सांपों को देखते ही मार देते हैं। गाँव में तो ऐसा भी चलन है, कई लोग ऐसा कहते हैं कि इस सांप को मारने से 100 गायों का धर्म भी लगता है। तो इस तरह की बातों पर ध्यान ना दें, विश्वास ना करें। किसी भी जीव को नुकसान पहुंचाना हमारा धर्म नहीं है, कृपया कर किसी भी जीव को नुकसान ना पहुंचाएं। और सांप आपके और हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रकृति के लिए ज़रूरी है, ये बात समझें। यहाँ पर कुछ सामान रखा हुआ था जिसके पीछे हमें सांप दिखा, और ये सांप सेंड बोआ है। सेंड बोआ अजगर जैसा मोटा होता है, लेकिन इतना बड़ा नहीं होता, और कुछ लोग इसे दीवर भी समझते हैं। दीवर समझ के कई लोग इसे देखते ही मार देते हैं। ऐसे लोगों से हम निवेदन करेंगे कि कृपया सांपों को मारे नहीं, और इन सांपों को तो बिल्कुल भी नहीं मारे, क्योंकि दीवर जैसा ऐसा कुछ भी नहीं है इनमें। नॉन वेनमस सांप होते हैं वैसे, लेकिन इनकी बाइट स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। बिल्कुल देख सकते हैं आप, चित्तेदार सांप है ये, अजगर जैसा। मोटे मोटे डॉट्स होते हैं इस पर, 4 से 5 फीट तक बड़े हो सकते हैं ये, लेकिन मोटे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो निवेदन है आपसे, कभी भी किसी भी सांप को नुकसान ना पहुंचाएं, और किसी भी सांप से छेड़छाड़ ना करें, और कभी बाइट हो जाए तो तुरंत ही अस्पताल जाएं, किसी प्रकार के झाड़ फूँक में ना रहें। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये रिलीज़ का वीडियो है, बहुत जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।